ये आप ऐसे बात करते हैं अपने व्लॉग्स में? जुदाई है जुदाई। चुप, बस बस बस, मैंने आपको मना कर दिया बस। और ये वीडियो 2 साल पहले ना वायरल हुई हुई थी। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लाहौर में जगह जगह बहुत तेज़ बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो 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 बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना मज़े का वेदर है। अभी 4:30 बजे का टाइम है और आप देखें कितना खूबसूरत वेदर हुआ है। हैरानगी की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे बहुत स्लो स्लो बारिश हो रही है, जैसे ड्रिजल होती है बहुत कम, उस तरह से हो रही है, बल्कि अभी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जिस तरह गुलबर्ग वगैरह है और इलाके हैं, वहाँ पे बड़ी तेज़ बारिश हुई है। तो मेरा एक दोस्त होता था, वो कहता था कि यार यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ शायद लोगों के गुनाह बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए बारिश नहीं हो रही, बाकी इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो मजाक करता होता था। सो गाइस, मैं रिस्क ले कर बाहर आ गया हूँ। मेरा जो कैमरा है ना, ये फ़ोन का, ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आई एम टेकिंग अ रिस्क। काफ़ी हल्की हो गई है इसलिए मैं बाहर आया हूँ। मैंने कहा बाहर आके आपको दिखाता हूँ। बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं और पता नहीं, आई थिंक किसी दूसरी गली में। तो ये देखें कितना प्यारा वेदर है बाहर। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर वासे, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप तो गीले हुए हुए सारे हैं। तो भाई किधर है? अच्छा, किधर, दूसरी गली में? नहीं, पर और मुस्तफ़ा लैपटॉप पे। ओके, ये हमारा हीरो आ गया जी, मिस्टर राफे, और ये उनका दोस्त सारिम। तो इस तरह का जो वेदर है ना, ये मेरा फेवरेट वेदर है। क्लाउडी वेदर और हल्की हल्की ठंड होनी चाहिए। अभी वो वाली ठंड नहीं है, हवा चल रही हो हल्की हल्की। और वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? तो हल्की हल्की हवा चल रही हो और बादल आए हों, और इस तरह का जो वेदर है ना, मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे मुझे नॉर्थ में रहने का, यानी कि जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ है ना, जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे रहने का बहुत शौक़ है। हो सकता है लाइफ में कभी मैं वहाँ मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे इतना शौक़ है पहाड़ों में रहने का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मदर अंकल। हाँ जी। आज आप नहाए नहीं? नहीं, आज कौन सी ईद है? नहीं नहीं, आज बारिश हुई है। ओ, बारिश, अच्छा अच्छा, मैं बारिश में नहीं निकलता। नहीं निकलते? नहीं नहीं, वो बच्चे शोर डालने लग पड़ते, कहते भाई अंदर चले जाओ, अंकल अंदर चले जाओ, साढ़े तो बिजली डिगड़ी है। बच्चे तो नहा रहे हैं भाई। वो बच्चे नहा रहे हैं इसलिए मुझे अंदर भेज दिया उन्होंने, कहते अंकल अंदर चले जाओ, साढ़े तो बिजली ना छोड़ दी। काली चीज नु बिजली हमेशा पड़ती है। नहीं नहीं, आप इतने सुंदर इंसान हैं। जी, सुंदर? हाँ, हाँ। खूब नहीं नहीं नहीं, आप सुंदर आदमी हैं, आप पे क्यों बिजली गिरनी है भाई? हाँ जी। वो फिर कुछ बच्चे खड़े थे इधर सामने वाले, हाँ। वो कहते आप अंकल इधर आ जाए। मैं क्यों, क्यों भैया आप क्यों कह रहे? कह रहे इसलिए कि हमारे पास खड़े हो कि नजर न लगे हमें। जी मुस्तफ़ा जी, जी बारिश में नहा लिया आपने? मैं नहाया ही नहीं बारिश में। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, ठीक है। वो तो मैं पहले गया था बारिश में, उसके बाद नहीं गया। अब आपने नहाना है, ठीक है। नहाया, अभी नहा गया है। अब राफे आपने नहाया है? मैं सुबह नहाया था, फिर से नहाने लगा क्योंकि बारिश हो रही थी ना। सुबह नहीं नहाई है, झूठ बोलिए, नहीं नहाए सुबह। नहाने लगा। ये क्या है? क्या अभी जा रहे हो नहाने? अभी थोड़ी देर में। कुछ नहीं, चलो आप भी नहा लो जल्दी। नहीं, मैं अभी नहा नहीं रहा। बेटे नहा लो, बारिश में से आए हो ना, बारिश का पानी है तो। बारिश का पानी, चलो जल्दी से नहा लो। पानी की बूंदें, जल्दी से नहा। ये आप ऐसे बात करते हैं अपने व्लॉग्स में? जब मेरी कोई बात नहीं मानता वो, फिर मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अम्मा, कौन सा ड्रामा देख रही? जुदाई। जुदाई जुदाई है जुदाई। ये इतना बड़ा टीवी लगा है। चुप, बस बस बस, मैंने आपको मना कर दिया। बस पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पहले कितने बिस्किट खाए? पीछे एक भी नहीं है, एक भी नहीं। ये वाला सबसे एक भी नहीं। आप मिले हुए हो, आप सब पीछे 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 देखो भाई, पीछे। मैं संदल का कुछ नहीं लगता। मैंने कह रहा है आप संदल के कुछ हैं, मैंने कहा संदल का कुछ नहीं लगता जी। अच्छा भाई, आप लोगों के ना मुझे फैंस मिले थे, करते थे, एक आंटी थी और उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। वो आप सबको प्यार दे रहे थे, हमारी तरफ से प्यार कर देगा। अब मैं चुम्मी कर दूं आपको? जी जी। एक पप्पी आपको, एक पप्पी आपको, एक पप्पी आपको, एक पप्पी आपको उनकी तरफ से, एक पप्पी आपको, एक पप्पी आपको उनकी तरफ से, एक पप्पी।
वो कहते हैं मुस्तफा सबसे प्यारा है, उनको क्या पता मुस्तफा कितना शरारती है। नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ यार। ये मैं 12 पैटीज लाया था, ठीक है, 11 पड़ी हैं, एक तुमने अब मुझे पूरी करके देनी है। और एक मेरी बात सुन लो, इधर हो ना, मेरी बात सुन लो, तुम मेरी बात सुन लो। लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें लोगों ने देखा है इधर सब्जी लेते हुए, जी जी। वो कह रहे थे हमने पकड़ लेना था इसको, उठा के हमने ले जाना था, बच गया हमारे हाथों से। हाँ हाँ, किस लिए? वो मतलब वो कह रहे थे कि ये बंदा जरा जो है मशकूक लग रहा है हमें। अब नहीं, बात सुनो, मास्क शास्क पहन के निकला करो, अब तुम ना वो लोगों की नजरों में आ चुके हो। अच्छा, हाँ ओके। वो कहते हैं मजर भाई को भी सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम सबको मेरी तरफ से। ये देखिए ये कहाँ जड़ा हुआ है। ओ, ओ, ये तो रब बता दी, वो कहेंगे कि बहुत बड़ा है। ये देखें, ये बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत बड़ा है। मोटू अली हैदर से मैंने सवाल किया जी जी कि साइमा बाजी ने आपको मारा जी जी, तो आगे से आप मतलब क्या सोचते हैं कि अली हैदर ने क्या जवाब दिया होगा? जी मारा होगा। ये जवाब दिया होगा जी? नहीं, ऐसा बिल्कुल अली हैदर ने जवाब नहीं दिया। अली हैदर ने जवाब दिया है कि मैंने भी मारा सहमा। उसने ये नहीं कहा कि सहमा ने मुझे मारा है, उसने कहा मैंने भी मारा सहमा को। हाँ, हालांकि मैंने पूछा था कि सहमा ने आपको मारा, कहता नहीं मैंने भी उसको मारा। हम बताओ इसलिए जल्दी आए 9 बजे का टाइम दिया था। मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेहमानों ने आना था 6 बजे, पहले 6 बजे का टाइम था, फिर 9 बजे का हुआ, फिर कितने बजे का हुआ, 10 बजे का, फिर 11 बजे। हाँ, अब फिर 11 बजे, अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:05 हो गए। 11:05 हो गए हैं, तो अभी तक मेहमान नहीं आए, रास्ते में आए, आई थिंक रश है वो कह रहे हैं, इसलिए उनको टाइम लग रहा है। अभी अभी मेहमान गए हैं और ये देखें, वाह इतने मज़े की चीज़ें हैं, सारी ले ली हैं आपने? मुस्तफ़ा ने तो थोड़ी सी ली है। मुस्तफ़ा मैं पहले ये खा चुका हूँ। अच्छा, और ये एक क्या कहते हैं, ये इसकी प्लेट यार, ये मैं अपने लिए लाया हूँ, ये मैं अपने लिए वहाँ से लाया हूँ, क्या कहते हैं अपने स्टोर से खुद लाया हूँ मैं, अपनी शॉपिंग करके। मेरे लिए यार तुमने कुछ नहीं छोड़ा। ये मज़र का देखे, मज़र की प्लेट देखे, ये देखे मज़र की प्लेट देखे। अब मज़र के ना ये वाले बटन मैंने यहाँ से उतरवा के, इसको अब इन बटन की जरूरत है, यहाँ से इसका कुर्ता फट जाना है। हाँ हाँ, इधर से फटना है लोगों का, इधर जिप लगवा लो। हाँ जिप लगवा लो, जिप ऐसे। हाँ जिप लगवा लेंगे ना फिर खुलेगा ये, जब मतलब खाना खाते हो ना तुम, खाना खा के यहाँ से थोड़ी सी जिप खोल आसानी हो जाएगी ना। मेरी चाय किधर है? चाय आपकी नहीं है? तो चाय के साथ मैं ये खा लूंगा ना केक, एक एक दो पीस ले लूंगा। बिस्किट आपने खाने हैं? बिस्किट आपने खाने हैं? एक दे दो बस, एक बिस्किट। बिस्किट ये देखें जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रोब्लॉक्स खेल रहे हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि ये लोग क्या खेलते हैं, ये लोग रोब्लॉक्स खेलते हैं, राफे वासे एंड मुस्तफ़ा। अच्छा, तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह देख रहा था और पोस्ट देख रहा था डिफरेंट लोगों की, तो एक पोस्ट मेरे सामने आई। ये क्या आवाज़ आ रही है? किसकी सामने आई? पूमा रहा नहीं। तो पोस्ट में एक साहब थे, ही वाज सेइंग कि आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 47 साल का हूँ और मैंने इस 47 साल में ये सीखा है कि वक्त बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, नीयत बदलती है, नीयतें बदलती हैं, लेकिन इंसान जो है वो कभी भी नहीं बदलता। फिर मैंने रिसर्च की, थोड़ी सी सर्च की यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टा के ऊपर भी, काफ़ी लोगों ने पोस्ट लगाई हुई थी और ये वीडियो 2 साल पहले ना वायरल हुई हुई थी और जिसने भी इसको शेयर किया, किसी पे 2 लाख व्यूज़, 1.5 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़, इस तरह करके इस पर व्यूज़ थे और लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया हुआ था इस पोस्ट को। और अब वो साहब होंगे 49 के होंगे, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वक्त बदल जाता है और मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, वो तो बदलते ही हैं, लेकिन इंसान इतनी तेज़ी से बदलता है ना कि खुद इंसान को भी नहीं पता लगता कि वो बदल गया है। आज कुछ और होता है इंसान, कल कुछ और होता है और परसों कुछ और होता है। तो गाइस, वक्त, रिश्ते विश्ते, ये मौसम शौसम ये बदलते रहते हैं, लेकिन इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि इंसान बदलता है या नहीं।
मेरे मुताबिक इंसान जो है ना उसको बदलते हुए ऐसे 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 इतनी देर भी नहीं लगती, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।